दोस्तों अस्पतालों को लेकर सरकार की तरफ से दो बड़े अपडेट आ रहे हैं। एक तो अब आपको दवाइयां बिल्कुल सस्ती मिलने वाली है। देखिए आप, केंद्र सरकार ने देश भर के सरकारी डॉक्टर्स को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर जेनेरिक की बजाय ब्रांडेड दवाइयां लिखी, महंगी दवाइयां लिखी, तो डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश भर के डॉक्टरों को ये चेतावनी जारी की गई है। इस संबंध में एक नया आदेश भी जारी कर दिया है। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि ये जेनेरिक दवाइयां होती क्या है, तो इसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूं। और इसके बाद अस्पतालों को लेकर सरकार की तरफ से एक और नया नियम भी लागू किया गया, वो भी जानेंगे अपन, कि कामगारों को अब नहीं किया जाएगा निजी अस्पतालों में रेफर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से इस तरह के नए आदेश जारी किए गए हैं। क्या है ये आदेश दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल तो मैं आपको जानकारी बताऊंगा नए नियम की, लेकिन इससे पहले जरा ये समझिए आप कि जेनेरिक दवाइयां किसे कहते हैं जिनको लिखने के लिए केंद्र सरकार ने सभी डॉक्टरों को आदेश जारी किया है। तो सिंपल, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो जेनेरिक दवाइयां होती है ना, वो ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में सस्ती होती है। लेकिन हम में से कई लोगों के मन में ये भ्रांति है, मतलब संदेह है कि जेनेरिक दवाइयां सस्ती होती हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता खराब होती होगी। लेकिन शायद आपको भी ये सच्चाई पता नहीं है। दरअसल दोस्तों, आम तौर पर जेनेरिक दवाइयां उन दवाओं को कहा जाता है जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, लेकिन वह अपने सॉल्ट नेम से मार्केट में जानी पहचानी जाती है। हालांकि इसमें भी कुछ दवाओं के ब्रांड नेम होते हैं, लेकिन वो भी बहुत सस्ते होते हैं और ये भी जेनेरिक दवाओं की श्रेणी में ही आते हैं। तो आखिर जेनेरिक दवाइयां क्या है, सिंपल भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो दोस्तों जो ब्रांडेड दवाइयां होती हैं वही इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई होती हैं जो हमारी लोकल कंपनीज के द्वारा बनी हुई होती हैं। ये ब्रांडेड नहीं होती हैं, लेकिन इसमें भी वही कंटेंट जो होता है दवाइयों का, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो वही होते हैं। जेनेरिक दवाइयों में भी वही साल्ट होता है जो ब्रांडेड कंपनी के पास होता है। अब जो जेनेरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां होती है ना, जब भी कोई दवा कंपनी दवा बनाती है तो इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रचार, ब्रांडिंग वगैरह पर काफी खर्च आता है, राइट? तो जेनेरिक दवाओं में ऐसा कोई खर्च नहीं आता है, क्योंकि जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाओं के इंग्रेडिएंट से ही बनाई जाती है, उन्हीं के फॉर्मूले को यूज करके बनाई जाती है। जब ब्रांडेड दवाओं का साल्ट मिश्रण और उत्पादन से एकाधिकार समाप्त हो जाता है, तब उन्हीं के फॉर्मूले और साल्ट के प्रयोग से जेनेरिक दवाइयां बनाई जाती हैं, जो कि काफी सस्ती होती है। यानी कि इस तरह की दवाइयों पर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग वगैरह का खर्च नहीं आता, इसलिए ये सस्ती पड़ती है, लेकिन काम दोनों सेम करती है, समझ रहे हो ना? तो सरकार ने सभी डॉक्टरों को ये निर्देश जारी किया कि आप जेनेरिक दवाइयां ही लिखो ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां मिले। खास करके स्पेशली जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं और आरोग्य केंद्रों पर डॉक्टर्स जो है मरीजों को अब जेनेरिक दवाइयां ही लिखेंगे, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अस्पताल से जुड़ा दूसरा अपडेट है दोस्तों, कामगारों को अब नहीं किया जाएगा निजी अस्पतालों में रेफर, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। देश के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत अब हजारों कामगारों और उनके आश्रितों को बीमारी के दौरान सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ही उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC है ना, उसमें पंजीकृत मरीजों को अब गंभीर बीमारी होने पर भी निजी अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। जहाँ तक अवेलेबल है उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करवाना पड़ेगा। हालांकि यदि प्रदेश के बड़े संस्थानों और PGI में भी उस बीमार का इलाज नहीं होगा, तो फिर स्पेशल केस बनाकर उसे प्राइवेट अस्पताल में भेजा जा सकता है। फिलहाल ये फैसला हिमाचल प्रदेश से लागू होने जा रहा है। देश भर के सभी राज्यों में ESIC की तरफ से इस कानून को लागू किया जाएगा, है ना? तो उम्मीद है दोस्तों, अस्पतालों से जुड़े सरकार के ये दो बड़े फैसलों के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।